खबर भरतपुर से है, जहां पर पूर्व राज परिवार में पुश्तैनी जायदाद को लेकर चल रहा रार थमने का नाम नहीं ले रहा। आज पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। दिव्या सिंह ने कहा कि हमारे परिवार की व्यक्तिगत लड़ाई में उन्होंने भाग लिया, हमारे फोन कॉल रिकॉर्ड करवाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि भरतपुर की विरासत मोती महल में हो रहे सौंदर्यकरण के कार्यों को पूर्ववर्ती सरकार में रुकवा दिया गया। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने कल कुम्हेर के गांव पिंगोर में हुई पंचायत को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र है, इसमें पंचायत कोई मायने नहीं रखती है, हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। एड्रेस करनी थी। एक तो एक भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है, तो वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर है और क्या कर रहे हैं वो पारानी साहब बिराजे बताएंगे। गहलोत साहब उनको घी छिड़का है, दो ढाई साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है, शक नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। उनको पता होगा शायद कि गहलोत ने ये सब आग लगाने का काम, घाव में घी छड़कने का काम खूब किया उन्होंने।